सुप्रभात बच्चों, 8वीं क्लास के सभी छात्रों का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। आज 8वां अध्याय चलेगा, अष्टमः पाठः क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति, क्रोध से कार्य सिद्ध नहीं होते। तो इस शीर्षक के तहत एक बहुत खूबसूरत सी कहानी का आप आनंद लेंगे। क्रोधेन, क्रोध से कार्याणि या कार्यम न सिद्ध्यति, कार्य नहीं सिद्ध होता। ये कहानी है एक महात्मा की जो नगर से बाहर रहता है और उसके बारे में आप डिटेल से देखें। महात्मा विठोबा एकस्मात् नगरात् बहिः कुटीरम निर्माय वसति स्म। महात्मा विठोबा एक नगर से बाहर कुटिया बनाकर रहते थे। अनेके भक्ताः तस्य दर्शनाय आगत्य तम स्वगृहम आगन्तुम आमंत्रयन्ति स्म। अनेक भक्त उसके दर्शन के लिए आकर उसको अपने घर आने के लिए आमंत्रण देते थे या निमंत्रण देते थे। एकदा एक दर्शनार्थी नागरिकः, एक बार एक दर्शन की इच्छुक, दर्शन की चाह वाला नागरिक रात्रि भोजनाय, रात के भोजन के लिए तम महात्मानम, उस महात्मा को प्रार्थयत, मैंने प्रार्थना करने लगा। महात्मा विठोबा तस्य निवेदनम स्वीकृतवान, महात्मा विठोबा ने उसके निवेदन को स्वीकार कर लिया। महात्मा विठोबा एक नगर से बाहर कुटिया बनाकर रहता था। अनेक भक्त उसके दर्शन के लिए आकर उसको अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण देते थे। एक बार एक दर्शनार्थी नागरिक रात के भोजन के लिए महात्मा को प्रार्थना करने लगा। महात्मा ने उसके निवेदन को स्वीकार कर लिया। स यदा भोजनाय, वह जब भोजन के लिए तस्य जनस्य गृहम अगच्छत, उस व्यक्ति के घर गया, तदा तब सह मैंने वह कपाटम आवृत्य, दरवाजा बंद करके, कपाट दरवाजा आवृत्य बंद करके कुत्रचित गता आसीत, कहीं गया हुआ था। इसकी हिंदी देखिए, क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति, क्रोध से काम सिद्ध नहीं बनते। महात्मा विठोबा एक नगर से बाहर कुटिया बनाकर रहता था। अनेक भक्त उसके दर्शन के लिए आकर उसे अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण देते थे। एक बार एक दर्शनार्थी, दर्शनों के इच्छुक नागरिक ने रात के भोजन के लिए महात्मा से प्रार्थना की। महात्मा विठोबा ने उसका निवेदन स्वीकार कर लिया। वह जब भोजन के लिए उस व्यक्ति के घर गया, तो वह दरवाजा बंद करके कहीं गया हुआ था। प्रश्न देखिएगा, एक पद में उत्तर दीजिए। नगरात बहिः कः वसति स्म, उत्तर लिखा हुआ है सामने, महात्मा विठोबा। महात्मा विठोबा किम निर्माय वसति स्म, क्या बनाकर रहता था? तो उत्तर है कुटीरम। महात्मा विठोबा कुत्र वसति स्म, कहाँ रहता था? नगरात बहिः तस्य दर्शनाय के आगच्छन्ति स्म अनेके भक्ताः। पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे, अनेके भक्ताः किम कुर्वन्ति स्म, अनेक भक्त क्या करते थे? तो भोजनाय आमंत्रयन्ति स्म, अनेके भक्ताः महात्मानं स्वगृहं आगन्तुं, भोजनाय आगन्तुं आमंत्रयन्ति स्म। एकः दर्शनार्थी नागरिकः, एक दर्शनार्थी नागरिक ने महात्मा को क्या प्रार्थना की? तो रात्रि भोजनाय प्रार्थयत। एकः दर्शनार्थी नागरिकः महात्मानं रात्रि भोजनाय प्रार्थयत, ऐसे एक वाक्य में उत्तर हो जाएगा। महात्मा विठोबा कदा भोजनाय तस्य जनस्य गृहम अगच्छत, कब गया था? तदा किम अभवत, जब वह उसके घर गया तो क्या हुआ? यदा स भोजनाय तस्य जनस्य गृहम अगच्छत, तदा स कपाटम आवृत्य कुत्रचित गतः आसीत, तब वह दरवाजा बंद करके कहीं गया हुआ था। निर्देश के अनुसार उत्तर दें। महात्मा विठोबा, दो शब्दों में महात्मा विशेषण, विठोबा विशेष। एकस्मात् नगरात्, एकस्मात् विशेषण है, नगरात् विशेष है। अनेके भक्ताः, अनेके विशेषण है, भक्ताः विशेष है। दर्शनार्थी नागरिकः, दर्शनार्थी विशेषण है, नागरिकः विशेष है। तस्य जनस्य में तस्य विशेषण है और जनस्य विशेष्य है। तम महात्मानम में तम विशेषण है, महात्मानम विशेष्य है।
एक लाइन दी है, स कपाटम आवृत्य कुत्रचित गतः आसीत, अत्र आसीत क्रियायाः कर्तृपदं किम् अस्ति। यहाँ इस वाक्य में आसीत क्रिया का कर्ता बताइए, तो वह है स। तो इस तरह से इस भाग को आप अच्छे से समझें, इसकी हिंदी और ये प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखें और इन्हें याद करें। धन्यवाद।